दोस्तों आज के सुनिए हम थ्री सिलेक्टर प्लास्टिक कूलर वायरिंग किस तरह की जाती है, थ्री स्पीड फैन मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लास्टिक कूलर है जिसमें आपको थ्री सिलेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इन थ्री सिलेक्टर्स का फंक्शन समझ लेते हैं। जो पहला सिलेक्टर है ये वाटर पंप मोटर के लिए दिया गया है, जिससे आप जो पंप मोटर होती है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। या आपके पास जो फैन मोटर होती है या जो मेन मोटर होती है उसके लिए सिलेक्टर दिया गया है, जो कि लो, मिड और हाई स्पीड के लिए दिया गया है। और एक सिलेक्टर हमें स्विंग के लिए दिया गया है, जिससे हम हवा का रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो तीनों सिलेक्टर का किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, थ्री स्पीड फैन मोटर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, स्विंग मोटर किस कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्विंग मोटर है जिसमें हमें सिंगल फेज सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। ये हमारे पास फैन मोटर के लिए दो वायर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू वायर्स यूज किए गए हैं। आपके पास कलर कोड कोई भी हो सकता है। और जो फैन मोटर है, फैन मोटर में आपको चार वायर दिए गए हैं, जिसमें एक कॉमन वायर है और तीन स्पीड के वायर दिए गए हैं। तो वायर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। यदि आपको दो वायर दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह होगा वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए, हमारे पास फैन मोटर के लिए चार वायर्स दिए गए हैं। यह हमारे पास सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच में देख सकते हैं जो आपके पास पंप मोटर है उसमें आपको दो टर्मिनल्स दिए गए हैं, और जो आपके पास मेन मोटर के लिए जो सिलेक्टर दिया गया है इसके पीछे आपको चार टर्मिनल्स दिए गए हैं, जिसमें एक में आपको लाइन कनेक्ट करना है और तीन टर्मिनल में आपको फैन मोटर के स्पीड वायर कनेक्ट कर देना है। स्विंग में भी हमें फर्स्ट एक लाइन या फेज वायर कनेक्ट कर देना है और इसके आउटपुट से हमें स्विंग मोटर को कनेक्शन कर देना है। चलिए, किस तरह से प्रैक्टिकली कनेक्शन किया जाएगा हम वायर बाय वायर सीखने वाले, वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले जो पावर सप्लाई केबल आई है, देखिए इसमें आपको दो वायर दिए गए हैं, इसमें आपको अच्छे से गांठ बांध लेना है ताकि वायर खिंचाए ना। देखिए इसमें आपको दो वायर दिए गए हैं, एक फेज वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर के लिए। आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक वायर का यूज़ कर रहे हैं जो कि न्यूट्रल के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ब्लैक वायर हमें स्विंग मोटर में, देखिए स्विंग मोटर का एक वायर हमने ले लिया है जिससे स्विंग मोटर में यहाँ से न्यूट्रल आएगा। एक वायर हमें पंप मोटर का, जो वाटर पंप मोटर है उसका किसी भी एक वायर को आपको कनेक्ट कर देना है। हमारे पास ब्लू वायर दिया गया। आपके पास कोई भी कलर कोड का वायर हो, कोई भी आप एक वायर ले लीजिए। तो देखिए स्विंग मोटर में न्यूट्रल आ चुका है और यहीं से वाटर पंप मोटर में न्यूट्रल आ चुका है। अब जो फैन मोटर में आपको चार कलर के वायर्स दिए गए हैं, तो वैसे तो मोटर पर गिवन होता है कॉमन वायर कौन सा है, बट यदि आपके पास चार तार दिए गए और कलर कोड के हिसाब से दिया गया है तो ब्लू वायर हमेशा कॉमन होता है। तो देखिए ब्लू वायर को हमने यहां पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। यदि दो वायर दिए गए होते तो किसी भी एक वायर को आप कनेक्ट कर सकते थे। हमारे पास चार वायर है तो ब्लू वायर को हमें कॉमन कर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहां से स्विंग मोटर में, वाटर पंप मोटर में और फैन मोटर के ब्लू वायर में न्यूट्रल हमारा कनेक्शन हो चुका है। सभी जगह हमारा न्यूट्रल यहां से डायरेक्टली जाएगा। यदि आपके पास फैन मोटर में दो वायर होते तो किसी भी एक वायर में आप न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते थे। अब इसमें आपको अच्छे से टैपिंग कर देना है। देखिए अच्छे से हमें इस पर टैपिंग कर देना है तो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन स्विंग मोटर में भी हो चुका है, फैन मोटर में भी हो चुका है और वाटर पंप मोटर में भी हो चुका है। अब हमें लाइन या फेज का कनेक्शन करना है। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। अब हमें लाइन वायर कनेक्शन करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक रेड वायर बचा हुआ है। तो देखिए तीनों सिलेक्टर में हमें फेज वायर कनेक्ट कर लेना है। आप किसी भी सिलेक्टर में लाइन कनेक्ट कर दीजिए। देखिए हम यहाँ से लूपिंग करने वाले हैं तो फेज वायर को हमने लिया, इसमें एक कनेक्टर हमें कनेक्ट कर लेना है। देखिए एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया और सिलेक्टर में जहाँ लाइन का टर्मिनल दिया गया है वहाँ से देखिए इस तरह से हमने स्विंग मोटर में, मेन मोटर में और पंप मोटर में
तीनों सिलेक्टर में फेज का कनेक्शन कर लिया है। देखिए फेज वायर तीनों सिलेक्टर में आ चुका है। सबसे पहले हम पंप मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो पंप मोटर का जो दूसरा वायर बचा हुआ है इसे सिलेक्टर के सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से जैसे ही सिलेक्टर को ऑन ऑफ किया जाएगा हमारा वाटर पंप मोटर स्टार्ट स्टॉप यहाँ से होगा। फेज वायर डायरेक्ट आ रहा है और उसका हाफ वायर हमने सिलेक्टर से कनेक्ट किया है। अब स्विंग मोटर कनेक्शन भी सेम है, फेज वायर इसमें हमारा डायरेक्ट आ रहा है और यहाँ पर इसके आउटपुट में हमें स्विंग मोटर के आउटपुट वायर को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा हमारा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्विंग मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्विंग मोटर का कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। अब हमारे पास जो मेन मोटर एक बची हुई है, यदि आपके पास बाय द वे स्विंग मोटर में चार टर्मिनल दिए गए हो तो किसी भी एक टर्मिनल पर आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास देखिए जो फैन मोटर है उसमें आपको तीन स्पीड के वायर दिए गए हैं। रेड वायर लो स्पीड का वायर है, वाइट वायर मीडियम स्पीड का वायर है और जो ब्लैक तार है वह हाई स्पीड का तार है। तो देखिए हमारे पास रेड तार लो स्पीड तार है तो रेड तार को हमें वन नंबर पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास दो ही तार होते तो आप एक में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते और जो फेज वायर है उसे आप सिलेक्टर के किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले हम लो स्पीड के वायर को रेड वायर को सिलेक्टर के वन नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे सिलेक्टर को वन नंबर पर रोटेट किया जाएगा हमारी फैन मोटर लो स्पीड पर रन करेगी। देखिए हमारे पास लो स्पीड का कनेक्शन हो चुका है, वाइट वायर जो दिया गया है मीडियम स्पीड के लिए दिया गया है। सिलेक्टर को जब दो नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारी मोटर जो है वो मीडियम स्पीड पर रन करेगी। तो इसे भी आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, कनेक्शन में लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा होगा कि स्पार्किंग होता है तो जो स्पार्किंग का मेन रीज़न होता है वो लूज कनेक्शन होता है, तो लूज कनेक्शन आपको नहीं रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारे पास ब्लैक वायर दिया गया है यह हाई स्पीड के लिए दिया गया है, तो ब्लैक वायर को हमें तीन नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फैन मोटर कनेक्शन भी हो चुका है, स्विंग मोटर कनेक्शन भी हो चुका है और पंप मोटर कनेक्शन भी हो चुका है। यदि बाय द वे आपके पास दो ही मेन वायर मोटर के तार आए होते तो किसी भी टर्मिनल पर आप वायर को कनेक्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है, अब इसे एक बार ऑन कर देख लेते हैं। देखिए जैसे ही अभी हम सिलेक्टर को ऑन किया हमारी मोटर हाई स्पीड पर रन कर रही है, मीडियम स्पीड पर रन कर रही है और यहाँ से लो स्पीड पर रन कर रही है। यहाँ से हम फैन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप थ्री सिलेक्टर प्लास्टिक कूलर वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।